अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो है 6 सितंबर के हवाले से, और आज मैं बच्चों को लेकर जा रही हैं जी सफारी पार्क कराची, जहाँ पे डायनो वैली है, मींस के डायनासोर रखे हैं। डायनो वैली तो नहीं कहते, लेकिन वैली ही कहते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले ये एलिफेंट से मुलाकात है, हेलो सुजी, और इसके साथ ही हम अंदर एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। यहाँ से हम टिकट्स परचेज करते हैं और अंदर जाने के लिए फुल एक्साइटेड हैं हुसैन और अली। मैंने जिस दिन बाहर जाने का प्लान किया होता है, यार धूप इतनी तेज़ होती है, पता नहीं क्या मसला है धूप का और मेरा शायद। तो बस अब हम अंदर जा रहे हैं और ये धूप का फ़ायदा उठाते उठाते हैं। मैंने कोई साइन बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई मैं क्या कर रही हूँ। तो हम डायनो वैली के पास आ गए हैं, बट ना उन्होंने 5 बजे का टाइम रखा हुआ था। हमें था कि चलो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, शायद ये 4:30-5 बजे तक खोल दें, बट वो भाई साहब अपनी बात के पक्के, उन्होंने 5 बजे से पहले उसको अंदर जो है टिकट्स नहीं दी। यहाँ से एक सेपरेट टिकट मिलती है, अफोर्डेबल है, बट इस तरह से टिकट्स का हिसाब बनाता जाए इंसान तो काफ़ी टिकट्स के पैसे बन जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को ट्रेन पर बिठाना, फिर वो एक गाड़ी का सफारी के साथ पच्चा कर लगाना। अच्छा चलो, जब तक हमारा ये सारा कुछ चल रहा है, मैंने ये क्या कॉटन कैंडी, और ये बड़े मज़ा आता है इसको देखते बनते खाते का। खैर मैंने खाया नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए लिए थे फ्राइज गर्मा गर्म, फुल स्पाइसी स्पाइसी से। और इसके बाद हमने जो है वो फिर वेट किया, वहाँ बैठ के थोड़ी सी हमने तस्वीरें बनाई। और ये देखें जी, 100 रुपीज़ की टिकट थी, और 3 साल से छोटे बच्चे तक की टिकट मेरा ख्याल है नहीं है, हाँ नहीं है। और हम अंदर आ गए हैं और डायनासोर्स यहाँ पे बिल्कुल ऐसे एनिमेशन हैं लाइक जिसे आपने मूवीज़ में देखा है। सो हमने तो खैर अपने बचपन में सारी हरकतें नहीं की, बच्चों के लिए सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। यहाँ पे एक इन्होंने एग बनाया हुआ है, जिसमें से डायनो में भी बाहर आ रहा है, सो उसमें बच्चे अपनी तस्वीरें बनाने के लिए खड़े हो गए थे। और यहाँ पे ये क्रोकोडाइल की तरह का एक डायनो है। खैर डायनोस के मुझे बिल्कुल नाम नहीं आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन को बहुत सारे नाम याद है, मेरे ख्याल है अली को भी कुछ नाम याद है। और यहाँ पर थोड़ा सा चिल मोर मारते वक्त कुछ तस्वीरें बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टाइम पर हम एंटर हुए, बिल्कुल फर्स्ट थे हम लोग, सो हमने अपना फुल एंजॉय किया। रश होने से पहले पहले हमने तस्वीरें भी बना ली, अच्छी सी वीडियोस भी बना ली। और यहाँ पे हुसैन और अली ने जिस टाइम पे ये राइड ले रहे थे डायनो वाली राइड, सो उस टाइम पे लोग इस तरह से वीडियोस बना रहे थे, मुझे भी खुद भी है शौक और मैं खुद भी बना रही थी और बहुत सारे लोग भी बना रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, बच्चों के लोग वीडियोज़ बना रहे होते हैं ठीक है, लेकिन ये बड़ों की वीडियोज़ लोग भी बनाना शुरू हो जाते हैं साथ साथ, और जब उनकी कोई बनाए तो फिर उनको बहुत गुस्सा आता है। मुझे यहाँ पे एक अजीब सी बात देखने को मिली कि लोग दूसरों के वीडियोस बना रहे होते हैं, जैसे उनके कोई बनाए ना तो वो उल्टे सीधे बिहेवियर शुरू कर देते हैं लाइक। और यहाँ पे इन दोनों की टक्कर हो गई थी छोटी सी, और साथ ही यहाँ पे एक बाजी खड़ी हुई थी, वो मुझे इतने गुस्से में देखी जा रही थी जैसे वो मेरा कत्ल करके मुझे खा जाएंगी। उनकी कोशिश थी बस किसी तरीके से आप अपने बच्चे को उतारें और हम अपने बच्चे को राइड लेके दें। और मुझे बहुत प्यारा लगा है डायनासोर्स यहाँ पे सारे, और यहाँ पे मैं अपनी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी नाकाम सी। और डायनोज की आवाज़ें जो आपने सेम मूवीज़ में सुनी हो, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। मैं कहती हूँ सारे बच्चों को लेके एक एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, पेरेंट्स हूँ यहाँ पे, उनको खुद का भी मज़ा आएगा। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी इन्होंने 2-3 किस्म के लगाए हुए हैं। और यहाँ पे आओ, इन्जॉय करो पाकिस्तान को, एक्सप्लोर करो, काम दो एक दूसरे को, रोज़ी रोटी का साथ बनो, अल्लाह पाक आपके लिए भी दरवाजे जो है वो खोलेगा रोज़गार के। और ये इतना लंबा था आलम चन्ना की तरह, इसके साथ हम खड़े हुए ऐसे लग रहे थे जैसे बोने 1.5 फुटिया, इसको देखने के लिए पूरी गर्दन आपको ऊपर करनी पड़ रही थी। और मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा ये वाले डायनासोर के साथ आ रहा था, ये जो अपनी शेल से बाहर आ रहा है एक। और इसी के साथ फिर हम चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब के लिए बाय बाय।